कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी मृतक समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हादसा कुरसैला थाना इलाके के NH 31 के पास हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक ही गाड़ी पर सवार होकर 9 लोग फुलबड़िया के सिद्धि महतो की बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने गए थे। इसी दौरान तेज गति से चल रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार 9 में से 6 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरा शोक प्रकट किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों का हर संभव मदद देने की बात कही है। आपको एक बार फिर से बता दें, कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी मृतक समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के रहने वाले थे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी मृतक समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे थे। हादसा कुरसैला थाना इलाके के NH 31 की है। औरंगाबाद जिले के रतननुआ गांव के नजदीक NH 2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 भाइयों को रौंद दिया है, जिसके कारण 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे भाई का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे, जो कि यूपी नंबर की बाइक है और तीनों लगता है कि आजमगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। उनमें से 2 लोग तो स्पॉट डेथ हो गए हैं मोटर दुर्घटना में और एक का इलाज अभी चल रहा है सदर अस्पताल। वहीं झारखंड के देवघर के दुमका में ट्रक और बस के बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए। घटना देवघर दुमका मुख्य मार्ग की है। आपको बता दें कि बस पर सवार यात्री बाबा चूटोनाथ की पूजा कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बस के विरंत हो गई। वहीं दुमका से लौट रहे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख घटनास्थल से घायलों को लेकर देवघर सदर अस्पताल पहुँच गए, जहाँ सभी का इलाज चल रहा है। चूटोनाथ से ये लोग आ रहे थे, सामने एक ट्रक थी, इसमें इम्बैलेंस हुआ होगा, ठीक है। एक्सीडेंट के 2-3 मिनट बाद में पहुँचा तो देखा कि घायल लोग पड़े हुए हैं सड़कों पर, सब हताहत है, मरमाहत है। उन्हें अभी धनबाद भेजा जा रहा है, ब्लड की कमी है तो ब्लड उनको दे के भेजा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजीत जुड़ गए हैं। जी रंजीत, देवघर में हादसा हुआ है, क्या कुछ है अपडेट? जी मैं आपको बता दूं कि देवघर दुमका मुख्य सड़क मार्ग के पास सड़क हादसा हुआ। बस खड़ी ट्रक में बस ने टक्कर मार दी। चूटोनाथ मंदिर से ये सारे बस यात्री आ रहे थे, पूजा करके लौट रहे थे, इसी दौरान जो है खड़ी ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके कारण 20 यात्री घायल हो गए। वहीं दुमका से लौट रहे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उन्हें अपने काफिले के माध्यम से सभी को अपने वाहनों पर लटा लेके सदर अस्पताल पहुंचाया और भर्ती कराया। वहीं कई लोग जो गंभीर हैं उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल बाकी जितने लोग अस्पताल में भी उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी रंजीत, घायलों के परिजन का क्या कुछ कहना है?
इस संदर्भ में अभी कुछ भी परिजन बताने से इनकार कर रहे हैं, वही मैं बता दूं, ये चूंकि बस असंतुलित होकर जो है कई टक्कर ट्रक में मार दी है, इसका चूंकि रात्रि का समय था इस कारण से ये घटना हुई है, और जिसमें कोई मतलब किसी की मृत्यु या किसी तरह का ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ घायल हुए हैं 20 यात्री। रंजीत, इस खबर पर पुलिस को कोई सफलता हाथ लगी है? रंजीत, इस खबर पर पुलिस को कोई सफलता हाथ लगी है? क्या ड्राइवर को पकड़ा गया है? जी, अभी तक इस संदर्भ में जो है कोई किसी की गिरफ्तारी ड्राइवर की नहीं हुई है, चूंकि बस यात्री का बस ड्राइवर का जो है अनियंत्रित होकर ट्रक में टक्कर मारी थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो जाहिर सा बात है, अगर किसी तेज रफ्तार के कारण अगर ये एक्सीडेंट होती तब पुलिस पकड़ने की कोशिश करती ड्राइवर का, लेकिन ये चूंकि अनियंत्रित होकर इस तरह का हादसा हुआ है, इस कारण से इसमें पुलिस की भूमिका नजर नहीं आती है। जी जी रंजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं बांका में 4 दिनों के अंदर तीसरी बार हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि ताजा वीडियो बाराहाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक डीजे की धुन पर हाथ में हथियार लहराते हुए फायरिंग भी कर रहे हैं। वहीं इससे पहले शंभू गुंज तथा अमरपुर से भी हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं इस मामले में SP अरविंद कुमार गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। Let's go.